हेलो दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। आपका मेरे चैनल हेमास कुकिंग डायरी पर स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम भंडारे जैसे स्टाइल में अष्टमी नवमी के लिए आप ये काले चने और हलवा आप प्रसाद में किस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ। तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो इस अष्टमी और नवमी पर, इस नवरात्रि पर आप ये प्रसाद ज़रूर बनाएं अपने घर पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हलवा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच के करीब घी डालेंगे। घी गर्म हो जाने पर हम डाल देंगे यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने काजू लिया है और कुछ बादाम लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के बाद उनका टेस्ट और भी अच्छा लगने लगता है, इसलिए आप भी ज़रूर पहले रोस्ट कर लें फिर यूज़ करें। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़े से किशमिश। किशमिश भी अच्छे से जब रोस्ट हो जाएंगे तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। आप चाहे तो अपने पसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आप हलवा में खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है और जब ये ठंडे हो जाएंगे हम इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, बादाम और काजू को। अब हम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप के करीब सूजी यानी रवा। आप कोई एक कटोरा या कोई एक मेजरिंग के लिए आप कोई बर्तन सेलेक्ट कर ले, उसी से आप सारे मेजरमेंट करें। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया है, उसको हमें घी में अच्छे से रोस्ट करना है जब तक वो हल्के से सुनहरे ना हो जाए। आपको ध्यान रखना है हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी रोस्ट ना करें वरना वो बहुत ही जल्दी जल जाएंगे, और ना ही बहुत ही लो फ्लेम पे, लो से मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे तरीके से घी में रोस्ट कर लें वो हल्के से सुनहरे होने तक। यहाँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें कलर चेंज होने लगा है। तो जब सूजी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी हम यहाँ पर डालेंगे पानी। तो यहाँ पर हम 3 गुना पानी डालेंगे। तो यहाँ आपने जिस कप से सूजी लिया था 1 कप, उसी से हम यहाँ पर 3 कप पानी डालेंगे। फ्लेम को आप मीडियम पर रखें, अच्छे से आप इसे मिला लें इसमें और इसमें उबाल आने देंगे हम। यहाँ पर देखिए अच्छे से उबाल आ रहा है और यहाँ पर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स है जो रोस्ट कर लिए थे हमने, उसे हमने छोटे टुकड़ों में कट किया है और इसे भी हम इस हलवे में मिला देंगे। और अब हम डालेंगे यहाँ पर चीनी। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी लिया है, जिस कप से आपने सूजी को मेजर किया था उसी से आप 1 कप यहाँ पर चीनी ले लें। अगर आप मीठा ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चीनी को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो हमारा हलवा है उसमें किस तरीके से उबाल आ रहा है और चीनी जो है वो अच्छे से घुल चुकी है इसमें। मिला लेंगे इन सारी चीज़ों को। फ्लेम को आपको हाई पर बिल्कुल नहीं रखना है, लो से मीडियम फ्लेम पर ही आप इसे रखें। तो हलवा में जो चीनी अच्छे से घुल चुकी है उस वजह से जो हलवा है थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे। तो यहाँ पर अब हम आखिरी में डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से जो हलवे का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। तो इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसे सर्व करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि हलवा किस तरीके से हमारा तैयार हो चुका है। तो हमारे अष्टमी और नवमी के प्रसाद के लिए हमारी पहली चीज़ जो हलवा है वो हमने बना करके तैयार कर ली है। इसे अब हम ठंडा हो जाने देंगे और फिर इसे आप सर्व करें। तो हलवा बन करके तैयार है। अब हम यहाँ पर सूखे काले चने की सब्जी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है ओवरनाइट, मैंने यहाँ पर चनों को रात भर पानी में सोख कर लिया है। यही चने हम एक कुकर में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर चने डूब जाने तक आप इसमें पानी डालें, चने से हल्का सा ऊपर लेवल तक आप इसमें पानी डालें इस तरीके से, देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा और बस इसका ढक्कन लगा देंगे और चने अच्छे से बॉईल होने तक आप इसमें 3 से 4 सीटी लगा लें। तो यहाँ पर देखिए जो चने वो अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर इसे आप चना को इस तरीके से दबा करके चेक कर सकते हैं कि ये बॉईल हुए है कि नहीं। और अगर आपके चने जो इस तरीके से दब नहीं रहे हैं तो आप चनों को 1 या 2 सीटी और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बाउल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले रही हूँ,
आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, और यहाँ पर हम धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, लगभग 1.5 छोटे चम्मच के करीब, और आधे छोटे चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा कम ही नमक डालेंगे क्योंकि हमने चने को बॉईल करने टाइम पर भी नमक डाला था। मिला लेते हैं इन सारी चीज़ों को, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मिला लेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अगर आप व्रत में ये खाते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और पानी मिला करके इस तरीके से हमें पतली सी इस तरीके से मिक्सचर तैयार कर लेना है यहाँ पर, देखिए। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है। तेल गर्म हो जाने पर हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटे चम्मच के करीब जीरा, थोड़ा सा हींग डालेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे तेल में। जीरा जब तड़कने लगेगा हम डाल देंगे यहाँ पर 1 इंच अदरक का, मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस किया है। आप चाहे तो एकदम बारीक छोटे टुकड़ों में कट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च ली है, उसको मैंने काट करके डाला है। और अब जो हमने यहाँ पर मसाले का मिक्सचर तैयार किया था उसको डाल देंगे इस तेल में। फ्लेम को आप लो से मीडियम पर रखें, और अब हम इसे मिला लेंगे। मसाले को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छे से चलाएंगे इसे, और मसाले अच्छे से फ्राई हो जाने तक इसे हमें पकाना है, जब तक ऑयल रिलीज ना करने लग जाए। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, मिला लेते हैं इसे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी ताकि जो मसाले है वो जले नहीं। मिला लेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से, और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर पकने देंगे। तो बस 2 से 3 मिनट बाद यहाँ पर जो मसाले हैं वो देखने में ही लग रहे हैं कि कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ऑयल भी इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो जो हमने चनों को उबाल करके रेडी रखा है उसे डाल देंगे इन मसाले में, और चनों को मसालों में अच्छे से मिला लेंगे। मसाले के अच्छे से एक कोटिंग सारे चनों पर हमें लगा लेना है, अच्छे से मिलाएंगे ताकि एक एक चने पर ये जो मसाला है उसकी कोटिंग हो जाए। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, जो मसाले हैं अच्छे से सारे चनों पर अच्छे से कोट हो चुके हैं। तब हम इसे थोड़ी देर और ढक करके पकने देंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चने में अंदर तक घुस जाए। तो बस थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर हम ढक्कन हटा देंगे और एक बार मिला लेंगे इन चनों को। तो यहाँ जो हमारे सूखे काले चने की जो सब्जी है ये बन करके तैयार है। आखिरी में हम कुछ बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देंगे, मिला लेते हैं इसको अच्छे से। और यहाँ हमारे टेस्टी टेस्टी से अष्टमी नवमी के प्रसाद के लिए ये सूखे काले चने बन करके तैयार है। तो यहाँ हमारी प्रसाद की थाली एकदम तैयार है, यहाँ हमारा हलवा तैयार है, काले चने की सूखे काले चने की सब्जी भी तैयार है, और इसे पूरी के साथ आप सर्व करें। तो यहाँ हमारी प्रसाद की थाली बिल्कुल तैयार है अष्टमी नवमी के लिए। तो इस नवरात्रि पर आप भी ज़रूर बनाइए प्रसाद की थाली, और अगर आप हमारी ये रेसिपी को ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी किस कैसी बनी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस नवरात्रि पर इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और भी अच्छे ऐसे ही रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल हेमास कुकिंग डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।